हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम कंट्रोल सिस्टम का पोलर प्लॉट को डिस्कस कर रहे हैं। ये पोलर प्लॉट का लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने 1, 2 और 3 लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है इस लेक्चर को समझने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक है और कुछ क्वेश्चन है। चलिए, इसमें हम क्वेश्चन से ही डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस लेक्चर के कि कंपेरिजन में। तो 1 + ST² / SQ, तो देखिए ये टाइप 3 सिस्टम है। अगर कोफिशियंट यहाँ पे कोई पोल थ्री है, जीरो एट ए जीरो पे, तो ये टाइप 3 सिस्टम है। और जीरो जिसमें 2 है और एक ही पोजीशन पे 2 जीरोज हैं, जैसे कि आप इसे पोल और जीरोज को ड्रॉ करें तो यहाँ पे 3 पोल हैं यहाँ पे, और जीरोज की बात करें तो 2 जीरोज है माइनस में, यहाँ पे 2 जीरोज है एक ही जगह पे। तो इसका इनिशियल जो आपका फेज होगा वो -270 से स्टार्ट होगा और फाइनल जो होगा वो -90 डिग्री पे इंड होगा। और जो आपका मैग्नीट्यूड होगा, इनिशियली आपका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट होगा और फाइनली जीरो होगा। मैंने ये सभी कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में बताए थे आपको कि ये कैसे हो रहा है, फिर भी मैं इस लेक्चर में आपको ये डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, फेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेज इक्वल टू, ये थर्ड टाइप सिस्टम है तो इसलिए इसकी वजह से अगर एस के पावर 1 होता तो -90 डिग्री, और 2 है तो -180 डिग्री, और 3 है एस के पावर 3 हो तो -270 डिग्री माइन। और अगर यहाँ पे पोल होता और तो यहाँ माइनस का साइन होता, और अगर जीरोज है तो जीरोज 2 पावर 2 है, इसलिए हमने यहाँ 2 ले लिया। टेन इनवर्स हम एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करते हैं, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो ये हो जाए टी ओमेगा बाई 1। अगर हम ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये टेन इनवर्स 0 0 हो जाएगा और इनिशियल आपका फेज हो जाएगा -270 डिग्री से स्टार्ट होगा। अगर हम ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दे तो इनफाइनाइट 10 इनवर्स इनफाइनाइट 180 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है इनफाइनाइट, 10 इनवर्स इनफाइनाइट 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री को 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 प्लस में है और -270 है, 270 -180 करेंगे तो -90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि आपका ये हो जाएगा 1 + ω² T² / ये हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू ओमेगा रूट अंडर ओमेगा, या ओमेगा का पावर रूट अंडर पावर स्क्वायर बाई के पावर 3, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करते हैं तब भी आपका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट आ जाएगा, अगर ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करते हैं तब आपका इनफाइनाइट आएगा, और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर हम इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करें यहाँ पे, तो देखिए ये 0 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। तो हमारा इनिशियल ग्राफ -270 के इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड के, तो इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड से स्टार्ट होता है, और तो आपको पता है कि पैरेलल लेते हैं हम इसके, और माइनस यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट होगा ओमेगा इक्वल टू 0 पे इस स्टार्टिंग पॉइंट से, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट होगा इनिशियल और फाइनल 0 होगा, बट फाइनल फेज जो होगा वो -90 डिग्री हो रहा है, यानी इस लाइन के पैरेलल। ये आपका ऐसे आएगा, ये आपका पोलर प्लॉट हो गया इस क्वेश्चन का। तो सिंपल है, -270 से स्टार्ट कीजिए और -90 पे आके इसके यहाँ पे इंड कर दीजिए। यहाँ पे आपका ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट है और मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 है इस पॉइंट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एस माइनस 1 है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें आपका एस प्लस 1 या 1 + S या TS+1 सभी पॉजिटिव थे, बट इसमें निगेटिव है, माइनस है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे अगर निगेटिव है उसी अकॉर्डिंग हम सोल्व करते जाएंगे। देखिए कैसे हम करते हैं,
इसका सबसे पहले आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एस इजकल टू जे ओमेगा पुट कर दीजिए तो के बाई जे ओमेगा माइनस वन हो जाएगा आपका एस इजकल टू जे ओमेगा पुट करने की वजह से। मैग्नीट्यूड आपको पता है कि ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट ही रह गया, और ये आपका इमेजनरी है तो इमेजनरी का जो होता है आपका जे ओमेगा का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जो कांस्टेंट है उसका माइनस वन का स्क्वायर होगा तो प्लस वन ही हो जाएगा। तो यानी फाइनल मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। फेज की बात करें तो फेज आपको पता है अगर ये पोल की वजह से है तो माइनस टेन इनवर्स ओमेगा जे जे के कोफिशियंट लिखते हैं और बाई जो कॉन्स्टेंट होता है कॉन्स्टेंट, तो माइनस है कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट को माइनस के साथ इसको लिखेंगे। बट इसमें चीज़ ये एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको माइनस टेन इनवर्स अगर ये नीचे माइनस आता है टेन इनवर्स ओमेगा बाई माइनस वन आता है उस केस में आता है 180 डिग्री, ये माइनस साइन रहेगा और ये आ जाएगा इस फंक्शनलिटी को हम एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस टेन इनवर्स ओमेगा। ये चीज़ें आप याद रखना होगा आपको कि अगर s माइनस वन हो तो उस केस में 180 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा हो जाता है, अगर 1 माइनस s होता तो ये पॉजिटिव होता। उस क्वेश्चन को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके जस्ट बाद हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इनिशियल फेज अगर ओमेगा इजकल टू जीरो पुट करें इनफाइनाइट पुट करें तो मैग्नीट्यूड और फेज का क्या पोजिशन होगा ये चीज़ को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओमेगा इजकल टू जीरो पुट कीजिए, यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो वैल्यू k आ जाएगा, और इन्फाइनाइट पुट करते हैं यहाँ पे ओमेगा इजकल टू तो जीरो आ जाएगा। फेज की बात करें अगर जीरो पुट करते हैं, ये आपका फेज है जीरो टेन इनवर्स जीरो जीरो डिग्री यानी माइनस 180 डिग्री से स्टार्ट होगा आपका इनिशियल पोलर प्लॉट, और ओमेगा इजकल टू हम इसमें इन्फाइनाइट पुट कर देते हैं इस लाइन में, ये आपका बॉक्स बन जाता है एक तरह से। ओमेगा इजकल टू इन्फाइनाइट पुट करते हैं फेज में तो इन्फाइनाइट यहाँ पुट कीजिएगा तो 90 डिग्री होता है टेन इनवर्स इन्फाइनाइट पे, 90 डिग्री इन्फाइनाइट होता है तो इसलिए यहाँ पे इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो माइनस 90 डिग्री होगा, माइनस 90 डिग्री और प्लस 180 डिग्री तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री और माइनस इस साइन मल्टीप्लीकेशन में है तो यानी माइनस 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब इस पोलर प्लॉट को आप ड्रॉ करें, अगर ये लाइन सीधी लाइन है थोड़ा सा इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप समझ सकते हैं ये 0 डिग्री ये 270 डिग्री और ये माइनस 90 डिग्री और ये हो गया आपका 180 डिग्री। और देखिए आपका पोलर प्लॉट जो ड्रॉ होगा वो इनिशियल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल आपका फेज की बात करें तो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है इनिशियली 180 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, अब वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड का वो के है तो यानी यहाँ से स्टार्ट होगा के से ये 180 डिग्री लाइन से, और इंड कहाँ होगा माइनस 90 डिग्री पर इंड होगा यानी कि इस लाइन के पैरेलल इंड होगा। तो इसको आप ऐसे ड्रॉ करिए, बस ये आपका पोलर प्लॉट ड्रॉ हो गया, ये आपका के वैल्यू है ओमेगा इजकल टू, यहाँ पे आपका जीरो है, यहाँ पे ओमेगा इजकल टू इन्फाइनाइट है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे जीरो होता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़े होंगे कि इनिशियल पॉइंट है ये तो जीरो होता है, तो ये आपका पोलर प्लॉट रहा। तो देखिए क्वेश्चन में ये माइनस की वजह से इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये VVI है यहाँ के लिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है कि ये माइनस है तो टेन इनवर्स ओमेगा बाई माइनस को हम माइनस बाहर कर लेते हैं, टेन माइनस बाहर हो जाता है माइनस, इसके हम प्लस कर देते हैं तो ये गलती ना करें आप, प्लस होगा लेकिन जब होगा वो क्वेश्चन आपका ये होगा, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 1 माइनस s। इस केस में आपका यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन आपका है GHS इजकल टू के बाई 1 माइनस s, इसमें आप s इजकल टू जे ओमेगा पुट कर दीजिए तो 1 माइनस j ओमेगा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो के बाई रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फेज की बात करें तो हो जाएगा आपका माइनस टेन इनवर्स जे के कोफिशियंट यानी इमेजिनरी के कोफिशियंट तो माइनस ओमेगा और कांस्टेंट वन, तो आपका फेज फाइनल हो जाएगा, इसमें ये माइनस बाहर आ जाएगा और इसके वजह से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और आपका हो जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा। अब यहाँ पे आप ओमेगा
ए मैग्नीट्यूड और फेज, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पर मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा के और फेज हो जाएगा जीरो पर जीरो डिग्री, और इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका, यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कीजिए, जीरो और फेज हो जाएगा आपका 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री। तो आपका जो पोलर प्लॉट ड्रॉ होगा वो ऐसे होगा, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री, ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये सभी माइनस में है, और ये हो जाएगा माइनस 180 डिग्री। तो आपका जो पोलर प्लॉट स्टार्ट होगा वो होगा के वैल्यू 0 डिग्री पे, यहाँ से स्टार्ट होगा के और फेज 0, और इंड होगा प्लस 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री पर इंड होगा और मैग्नीट्यूड वहाँ होगा 0। तो आप एक चीज़ याद देखिए, हम सभी कोऑर्डिनेट ये सिस्टम, ये जो आपका फेज ले रहे हैं माइनस में ले रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये माइनस 360 डिग्री है और ये प्लस 90 डिग्री है और ये प्लस 180 डिग्री और माइनस, और ये हो जाएगा प्लस 270 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। अगर एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं तो निगेटिव में एंगल होता है, सॉरी ये क्लॉक वाइज चलते हैं तो ये 0, 90, 180 माइनस में होता है, और एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं तो ये पॉजिटिव में हो जाता है, ये 0 डिग्री और ये माइनस प्लस 90 डिग्री। तो इसे एंटी क्लॉक वाइज में पॉजिटिव और क्लॉक वाइज में निगेटिव एंगल जाता है। तो यानी कि ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे इंड हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लस 90 डिग्री पर स्टार्ट इंडिंग हो रहा है, तो यहाँ से आप ले जाइएगा और यहाँ पे इंड कर दीजिएगा। ये दरअसल यहाँ पे टच करता है थोड़ा सा, बस यहाँ बाहर नहीं जा रहा, इसके बाहर नहीं। फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको अच्छे तरीके से, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाएगा। तो ये आपका पोलर प्लॉट है इस क्वेश्चन का, ये बहुत सिंपल है। आप ये सिस्टम बेसिकली अनस्टेबल है, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का केस मैंने बताया नहीं है, और ये सब राउट ऑर्बिट क्राइटेरिया से हम फाइंड आउट करते हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट से भी और पोलर प्लॉट से भी, और आपका पोल के पोजीशनिंग को भी देखते हैं। अगर एक भी पोल राइट ऑफ द एस प्लेन हो गया, ये जे ओमेगा एक्सिस के राइट साइड हो गया, तो आपका सिस्टम हो जाता है अनस्टेबल। तो उसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं, और आपको लेफ्ट और राइट ग्राफ को भी पोलर प्लॉट के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में ये डिस्कस किया हुआ है। देखिए, जब ग्राफ ऐसे आता है तो इधर वाला लेफ्ट होता है, जब ग्राफ ऐसे आता है तो ये वाला हो जाता है आपका राइट, ये हो जाता है लेफ्ट। और आपका जो माइनस वन और जीरो डिग्री का ये जो आपका है एक्स एक्सिस पे, ये जो एक्स एक्सिस है ये जीरो और वाई एक्सिस माइनस वन, ये जो आपका पोजिशनिंग है, ये पोजिशन जो है ये राइट साइड पड़ता है, ये इसके राइट साइड है, ये सब राइट साइड है, तो तब ग्राफ हो जाता है, ये जो पोलर प्लॉट हो वो अनस्टेबल हो जाता है, अदरवाइज स्टेबल होता है। तो ये सब केस बाद में देखेंगे, इसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एस माइनस वन है और टाइप, ये टाइप वन सिस्टम है, तो जो आपका टाइप आते ही मैग्नीट्यूड हो जाता है इनफाइनाइट से इनिशियल और फाइनल जीरो, और फेज की बात करें तो टाइप वन होने की वजह से माइनस 90 डिग्री इनिशियल हो जाएगा। बट इसमें देखिए ये माइनस 90 डिग्री इनिशियल इसमें नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस होता तो वो ऐसे होता माइनस 90 डिग्री, बस यहाँ प्लस नहीं है। तो हम फेज जैसे प्रीवियस वीडियो कर रहा हूँ, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि एस माइनस वन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो चलिए इसका फेज जनरली हम निकाल लेते हैं, जे ओमेगा एक्सिस पुट करेंगे यहाँ पे, तो एक टाइप वन होने की वजह से माइनस 90 डिग्री और माइनस टेन इनवर्स इमेजिनरी का कोफिशियंट, यहाँ पे एस इजकल टू जे ओमेगा हमने पुट कर दिया है मानिए, और माइनस कॉन्स्टेंट वन। अब माइनस 90 डिग्री और माइनस, ये माइनस अगर आप टेन इनवर्स के डोमिनेटर में होता तो वो 180 डिग्री और माइनस टेन इनवर्स ओमेगा हो जाता है ये, और अगर इसकी बात करें तो ये माइनस 270 डिग्री हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा। अब हम ओमेगा इजकल टू जीरो रखें, इनफिनाइट रखें, तो मैग्नीट्यूड तो आपका मैंने निकाले दिया इनफिनाइट और जीरो, बस फेज जो हो जाएगा जीरो रखेंगे, टेन इनवर्स जीरो तो जीरो, और माइनस 270 से स्टार्ट होगा ग्राफ। और अगर हमने ओमेगा इजकल टू इनफिनाइट पुट किया तो इनफिनाइट यहाँ पुट करेंगे और ये हो जाएगा प्लस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री और 270 यानी माइनस 180 डिग्री पर इंड होगा। तो जो आपका पोलर प्लॉट ड्रॉ होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये 0 डिग्री, ये माइनस 90 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये माइनस 180 डिग्री।
और जो आपका पोलर प्लॉट होगा वो 270 से स्टार्ट होगा और 180 पे इंड होगा। तो 270 डिग्री ये है आपका और इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है और 180 डिग्री पे इंड हो रहा है। तो देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होगा और ये ऐसे जाके ऐसे 180 पे इंड हो जाएगा। तो ये रहा आपका पोलर प्लॉट, 270 से स्टार्ट हुआ और 180 पे जाके इंड हो गया। आप देखिए इधर से भी आप ग्राफ खींच के और ऐसे करके ऐसे लाके ऐसे कर देते तो नहीं, जीरोज होता ना, तो उस कंडीशन में ये होता। जीरोज नहीं है, एक भी जीरोज यहाँ नहीं है, इसलिए हमारा ग्राफ जो होगा ये जे ओमेगा एक्सिस होता है, इसको कट नहीं करेगा। तो वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे जीरोज की वजह से ये कट कर रहा था, जो कि 180 से हमने ऐसे बनाया था ये ग्राफ। तो इस लेक्चर में ये जो भी क्वेश्चन थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है एक तरह से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलर प्लॉट के जो बाकी कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे और पोलर प्लॉट लगभग समाप्त हो जाएगा 5 लेक्चर में, और उसके बाद हम नाइक्विस्ट प्लॉट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन चैनल का और लाइक शेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो इससे पता चलती है कि जो व्यूअर हैं वो लाइक कर रहे हैं इस चीज़ को, तो हम आगे इस पे वीडियो पर काम करते हैं, अदरवाइज हम बैक होना पड़ता है हमें। और आपको सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं देना है। अगर आप माय एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिससे आपके सभी नोटिफिकेशन और सभी वीडियो के लिंक आपके मोबाइल पर मिलता रहे, तो आप 7503304182 पे ऐड मी मैसेज करके भेज दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।